आज हम बनाने वाले हैं टमाटर का नाश्ता। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब है, खट्टा मीठा टेस्टी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने देखिए ये 4 टमाटर ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं हमारे, और ये बिल्कुल सख्त टमाटर हैं, टाइट वाले, एकदम वैसे नहीं है कि जैसे पिलपिले होते हैं, टाइट टमाटर हैं। हमें फ्रेश टमाटर लेने हैं। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हम गैस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम चालू करके हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब ये जो टमाटर है हमें इसमें फ्राई करने हैं। इसका फ्लेम हमें मीडियम में रखना है, और इसको मीडियम आंच में हमें इसको फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। इनको फ्राई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाते हैं ये। ये देखिए जब इनकी स्किन अच्छे से फ्राई हो जाए, अपना आप छूट जाएगी। अब इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। चलिए अब इनको हम ठंडा होने देते हैं। इतने हमारे टमाटर ठंडे होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ कटोरी ले ली है, इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी सूजी, आधा कटोरी बेसन, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे मिक्स करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमारा बैटर बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक मिक्सी जार ले लेंगे, और जो हमारे टमाटर हैं ये हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी स्किन हटा देनी है, जो ये टमाटर की स्किन है। अब ये टमाटर हम इसमें डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे, एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे देगी लाल मिर्च, आधे चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे। अब इसको कवर करके हम इसकी प्योरी बना के ले आएंगे। प्योरी हमने बना के तैयार कर दी है। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे, और 10 मिनट हो चुकी है। अब इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है। ये प्योरी जो है हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें मिक्स करना है बैटर के साथ। बैटर देखिए हमारा थोड़ा पतला हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, 1-2 चम्मच सूजी और ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे बैटर की थिकनेस अच्छी हो जाए। अब इसको हम 2-3 मिनट और रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये जो हमने सूजी डाली है ये भी हमारी अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट हो चुकी हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बैटर की जो थिकनेस है वो और टाइट हो गई है। देखिए ये हमारा बैटर बिल्कुल एकदम तैयार हो गया अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच। अभी बनाने से 2-3 मिनट पहले ही डालना, इससे क्या होगा जो हमारी रेसिपी बनेगी बहुत ही स्पंची और फूली फूली बनेगी। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ आ गए हैं हम। गैस का फ्लेम चालू करके यहाँ पे देखिए एक पैन ले लिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हम ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल से। अब हम 1 चम्मच बैटर ले लेंगे, और फिर डालने के बाद देखिए इस तरीके से इसको हमें फैलाना है। अब इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर इसको हम पलट लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर से भी इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे, थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे। अलटते पलटते हुए इसको हम इसी तरीके से सेक लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरीके से और बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे ये सारे बनके तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया तड़का पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी।
घी जैसे ही गरम हो जाएगा हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ देखिए हमने कड़ी लीव्स ले लिए हैं और यहाँ देखिए हमने थोड़े से ये सरसों के दाने ले लिए हैं, ये हम इसी में डाल देंगे और ये हम कड़ी लीव्स भी इसी में डाल देंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक कटोरी में दही ले लिए और ये तड़का हम डाल देंगे इसमें। इस वाले नाश्ते के साथ ये वाला तड़के की वाली दही खाओगे आप, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और चटपटा टेस्ट है इसका और हेल्दी भी बहुत है, सेहत से भरपूर है। ये देखिए हमें जो कड़ी लीव्स है इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, दही तो आपको पता ही है कितनी हेल्दी होती है। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।